अगर आप भी ऐसी कोई डिस्क ब्रेक वाली बाइक ऑन करते हो, अभी मेरे पास है हंटर, सपोज आपको कई बार ऐसे डर लगता है इसको लॉक करना है, एक्स्ट्रा लॉक जो कंपनी लॉक देती है उसको, तो आप कई वीडियो में ऐसा देखा होगा कि चोर ने लात मारा आपका ये टूट गया, मतलब लॉक जो हैंडल लॉक होता है। उसके पास सामने एक और अल्टरनेट ऑप्शन है, शेयर करता हूँ मैं आपके साथ इस वीडियो में, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक डिस्क ब्रेक के लिए, ठीक है, जो गाड़ी ऑन डिस्क ब्रेक है उसके लिए काम नहीं करेगा। पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ये रहा वो लॉक, इसको डिस्क लॉक भी कहते हैं, अमेजोन से मंगाया, ये 279 लेकिन लाइटनिंग डील में ये 181 रुपये की पड़ी है, ठीक है। तो ये देखो दिखा स्टेनलेस स्टील डिस्क ब्रेक लॉक, ठीक है, ये इस्तेमाल करने वाले हैं अपने। तो ये प्रोडक्ट है, अभी जेनरिक प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि ये हंटर के लिए ही है, लेकिन आप किसी और में भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी और बाइक में भी आपको मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी स्पेसिफिकली हंटर की बात करते हैं। ये जो हंटर है ये ड्यूल चैनल एबीएस, मतलब आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक है, इसे रही पीछे वाली, तो ये रही आगे वाली, तो इसमें आप दोनों चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हो दोनों जगह। मैं अभी स्टैंड पे लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ पूरा। तो सपोज कीजिए आपकी फर्स्ट मतलब फ्रंट डिस्क ब्रेक ही है इसके अंदर, तो आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ये रहा बॉक्स, तो बॉक्स का पैकिंग है सर, तो उसको निकालेंगे, ये रहा लॉक, और इसकी चाबी है इसी टाइप की, इसमें इसका कोई जुगाड़ भी आपको दिखाऊंगा तो मतलब, ठीक है, इसको ये मैच करना चाहिए खांचे में, ये चाबी की खांचा ऐसे लगाओगे और घुमाना है, ये खुल गया लॉक, दिख गया लॉक खुल गया, फिर इसको दबा के ऐसे घुमा घुसा देना है, घुमा देना है तो लॉक लग जाएगा। तो इसकी चाबी थोड़ी स्पेशल टाइप की, देख रहे हो ये ऐसी डिज़ाइन है, तो इसको अपने देखो आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, पहले इसको करेंगे अनलॉक, अनलॉक हो गया, और ये डिस्क, डिस्क के अंदर लेंगे और उसको मैच करेंगे, मैं नज़दीक लेता हूँ कैमरा, ठीक है। तो ये होल्स में मैच करना है जो लॉक का है, फिर इसको पुश करना है, बैठ गया, चाबी निकाल लेंगे, डिस्क लॉक हो गई। अब इसको कितना भी घुमा लो इसको तोड़ना उतना आसान नहीं होता है, चाबी होगी तो खुल जाएगा आराम से, कोई नहीं, ठीक है। तो ये इसकी खामी बस ये है, बाकी तो इसे नहीं निकलेगा, ठीक है। अब इसको रियर में भी इस्तेमाल करते हैं, अब रियर में इंस्टॉल करते हैं, तो उसे में से अनलॉक किया है, और इसके डिस्क में आप जहाँ भी लगाना चाहो ऐसे लगा के इसको दबाना है बस, और मैच करना पड़ेगा, होल नहीं तो लगेगा नहीं, मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हो गया डिस्क लॉक। इसका फ़ायदा बताता हूँ कुछ, जैसे कि आप जैसे मेरी गाड़ी खुद से बाहर खड़ी है पार्किंग में, तो मेरे घर के सामने गाड़ी मेरी खड़ी है, तो सपोज़ कीजिए जैसे सपोज़ आप इनसिक्योर फेल करते हो आपकी गाड़ी के बारे में कि ऐसा हो सकता है, तो ये लॉक बहुत काम का है, ठीक है। और ऐसे आप लॉक मार दो तो पार्किंग में पड़ जाएगी, इतना आसान नहीं है इसको लेने आना। फिर दूसरा सपोज़ आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसको काफ़ी ईजी है, बस एक चीज़ है इसको कैरी करना पड़ेगा आपको, सपोज़ जैसे आपने यहाँ पे किया, अगर अपार्टमेंट रहते तो आपको खोल के या आपने कहीं समझ इसको रखने का जुगाड़ बनाना पड़ेगा, एक चाबी एक्स्ट्रा कैरी करनी पड़ेगी, एक ये है ये चीज़, एक थोड़ा एक्स्ट्रा आपके मतलब एसेसरीज लग जाएगी गाड़ी के अंदर, समझ लीजिए आपको कैरी करना पड़ेगा हमेशा, तो एक इसका यही है डिसएडवांटेज, बाकी तो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है एसएस की देखो, ठीक है, और काफ़ी काम की चीज़ है, आप लगा सकते हो अपनी कार बाइक में। और मैं अभी तो हंटर के लिए शेयर कर रहा हूँ, फिर अभी मैं कोई और कार बाइक के लिए भी दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। अच्छा लगा तो अभी काफ़ी बाइक है मेरे पास, तीन बाइकें हैं डिस्क वाली, तो उसमें लगा देंगे इसको, कोई बात नहीं, कई बार मैं बाहर आता जाता रहता हूँ, तो सपोज़ कि आप गाड़ी ज़्यादा दिन के लिए पार्क कर रहे हैं तो आपको काफ़ी काम का है, आप ऑफिस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सपोज़ जैसे आप बेसमेंट में पार्किंग कर रहे हैं या कहीं पार्किंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ थी आपके साथ शेयर की, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करो, आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने एक वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।